मेरे साथ तो दो बार ऑलरेडी स्कीम हो चुकी है केमिस्ट्री क्लास में, ऐसा मत करो। चलो देखते हैं यार, इधर ना एच आई, ये ना एच आई नहीं, ईथर की रिएक्शन ना, कभी भी आप एच एक्स के साथ करवा रहे हो। एच एक्स में जनरली एक्स इक्वल टू आई और बी आर आएंगे ना, ठीक है, देखना इधर। अरे यार असले पहले इथर की रिएक्शन एच एक्स के साथ करवाओगे, एक्स के बदले या तो आयोडीन आएगा या फिर ब्रोमीन आएगा, तो इसमें ना जनरल मैकेनिज्म जो होल्ड होगा, जनरल मैकेनिज्म क्या लगने वाला है, एस एन टू, एस एन वन आपको कहाँ कहाँ पे लगाना है वो समझना। एक तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, ठीक है, इसके अलावा कभी भी एन हाइड्रस एच आई आ गया ना, तो चाहे किसी भी टाइप का कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर PCl5 आ गया सॉलिड में, मैकेनिज्म क्या होगी, SN2 ब्लड जाएगी। PCl5 अगर नॉर्मल आ गया तो ये रेस्मिक मिक्सचर होगी, SN2 होने का मतलब है प्रोडक्ट इनवर्जन। इसमें रिटेंशन का मतलब रिटेंशन आगे से अटैक करता है वो हुआ, और पीछे से इनवर्जन, प्लस में इनवर्जन, रिटेंशन प्लस इनवर्जन मतलब आरएस, ये इनवर्जन तो वो उल्टा हुआ, रिटेंशन आगे से सिर्फ रिटेंशन नहीं होता ना, वो भी लिखा रहा हूँ associate to in presence of ether, ऐसा एक क्वेश्चन था वो डाउट, ओ एसोसिएशन हो जाएगा सर, डायरेक्ट पॉइंट नहीं था वो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये पायरिडिन वाला था, पायरिडिन वाला SN2, ठीक है, SN2 है तो कार्बोकैटायन के लिए अरेंजमेंट भी आपने किया, ईथर इन नाम पर पायरिडिन लग जाएगा। इसके अलावा देखना, अरे इधर अल्कोहल आ गया उसमें भी 1 डिग्री प्लस में HBr, मतलब इनसॉर्ट एंड ब्रांचिंग अल्कोहल, तो ये SN2, बट अगर सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आ गया तो SN1 प्लस HBr, तो क्या हो गया SN1। आया समझ में, कभी भी PCl3 आया रिटेंशन बनेंगे, नोट करो, नोटबुक में नोट कर, हाँ नोटबुक में विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 ये पढ़ा रखा है, हाँ ये इस पे क्वेश्चन लिखा बहुत कुछ, अगर कभी भी 3 डिग्री सोडियम अल्को ऑक्साइड होगा, 3 डिग्री सोडियम अल्को ऑक्साइड, सोडियम, सोडियम अल्को ऑक्साइड ये पहले बता रखे हैं आपको, इसमें तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, सोडियम अल्को ऑक्साइड प्लस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। गर्मी लग रही है यार, आप तो बड़ा ऐसे करो, प्लस सोडियम अल्को ऑक्साइड की एलिमिनेशन रिएक्शन, नोट करो। देखो मैं समझा रहा हूँ, रिटेंशन होता है, मान लेना ये ऐसा है, यहाँ पे CH3 है और ये यहाँ पे लगा हुआ है ET, यहाँ पे लगा है H, यहाँ पे भी है,
ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आया, अगर तूने ऐसे बनाया ना आगे से ही टाइप के आगे से ही लीगर निकल गया वो, मतलब अरे समझ गया तो वो रिटेंशन हुआ, मतलब कुछ चेंज ही नहीं हुआ मतलब। हाँ, तो ये हुआ रिटेंशन ना, तो इन्वर्जन में वो चेंज हो जाएगा, इन्वर्जन में चेंज हो जाएगा, इधर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, इधर एच आ जाएगा, वो सीएस3 है। ओ मतलब वो रेस में मिक्सचर में आपने लिखा है रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। हाँ, दोनों मिला के होता है। ओके रेस्मिंग मिक्सर जो होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और मार्केट नहीं मिला देखा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम मल्कोऑक्साइड, सोडियम मल्कोऑक्साइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड CH3CH2 और Br, सोडियम मल्कोऑक्साइड O माइनस Na प्लस ना, इधर आग लगे ये बीच से निकल जाएगा। ओके okay. तो नो कार्बन और आर, लेकिन ये फंगस को पड़ जाएगा जब तुमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रखा। चैप्टर का नाम मैंने बोला ये ध्यान रखना यार, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कभी आ गया और सोडियम मोनोऑक्साइड है तो एलिमिनेशन रिएक्शन चल जाएगी ना। अगर 3 डिग्री सोडियम मोनोऑक्साइड आ गया अल्कोऑक्साइड, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी फिर ये वाली रिएक्शन विलियमसन इंटरसिंथेसिस। 3 डिग्री सोडियम अल्कोऑक्साइड, हां जैसे अभी मैं एक एग्जांपल करवा के देखो, 2 डिग्री अल्काइल है ये बहुत सिंपल SN2 चलेगा, SN2 चलेंगे मतलब वही बनना है विलियमसन इंटरसिंथेसिस। अगर तेरे से पूछा विलियमसन इंटरसिंथेसिस कौन से टाइप की रिएक्शन है, एलिमिनेशन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन उसमें भी लगा दिया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं क्वेश्चन करके आया तुम? यस सर। कुछ मिटाने वाला नहीं है क्या इसमें? ये रहा वो वाला रहा सर, उस साइड ज़्यादा मत लेना, वो इसमें आता नहीं है। चलो बोलो यार ना, सेक्शन डी पहला जो भी क्वेश्चन है वो बताओ आप, जो मेरे को करना है कौन से क्वेश्चन, जिसको भी डाउट है पूछ लेना ठीक है, कुछ भी एबीसीडी। सेक्शन डी
कभी भी ईथर की रिएक्शन एच आई एच बी आर के साथ है, सबसे पहले मैकेनिज्म डिसाइड करोगे एसएन1 या एसएन2 का, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। पार्ट 2 से किया सेक्शन डी नहीं किया आठ ले गया वो रह गया। चलो कोई नहीं, देखना फिर अभी कर लेते हैं ना सेक्शन डी ना। देखो यहाँ पे ये रिंग है ओ और सी एच थ्री है, ध्यान से देखना आप एच आई की रिएक्शन है। सबसे पहले ना आपको मैकेनिज्म डिसाइड करने एस एन वन एस एन टू, एस एन वन तभी लगाओगे जब रेजोनेंस होगा या फिर क्या होगा, इसका मतलब ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला नहीं यार, इस पे हर हालत में माइनस प्लस आएगा। आप रिंग के ऊपर प्लस माइनस नहीं लगा सकते, वो क्या होगा लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस मतलब ये क्या है एस एन टू चलने वाला है, तो ये तो सिंपल पी एच ओ एच हो गया और उधर क्या हो गया सी एच सी एच थ्री आया समझ में। नेक्स्ट में देखो यार सेकंड वाला क्वेश्चन भी क्या होगा मैकेनिज्म एस एन टू होंगे, सेकंड वाला ना एज इट इज है, जब एस एन टू होगा ऐसे लिख देखा है ये एच आई की रिएक्शन एस एन टू होगा तो इसमें प्लस आएगा ना, अब इसमें मत लगाना। तो यहाँ पे क्या हो गया दो कार्बन के साथ आई आ गए और यहाँ पे इधर क्या आ गए OH, अगर एक्सेस में होता तो ये भी निकल जाता, वहां भी क्या आता आई आ, तो ये से वो तीन कार्बन है जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको OH लगाना होता है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पहले मैग्नीशियम डिसाइड करोगे कौन सा है। हां एसएन2 तो एसएन2 होगा तो लेस स्टेबल पे कार्बोकेट आयन बनेगा। हां लेस स्टेबल कार्बोकेट आयन बनेगा ना। हां तो लेस स्टेबल कार्बोकेट आयन यही वाला हुआ ना इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। वो इसी पे आई आया ना, देखो आई माइनस इस पे गया, ये बच गया हुआ ओ पे माइनस, तो एच इसको मिल गया ना। नेक्स्ट पे आते हैं इसी का सेकंड वाला, देखो इसने एच बी आर एक्सेस में लगा रखा है ना, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ भी अगर इसमें भी एक्सेस में आप लगाते तो एच के बदले आई आ जाता। इसने एच आई ना देके क्या दिया इस बार एच बी आर दिया है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन में यार इसने एक प्रोडक्ट बना रखा है कुछ ऐसा है यहाँ पे बी आर और दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या है वहां पे बी आर, यहाँ पे भी बी आर, मतलब इधर क्या रहा होगा बीच में हो रहे होंगे चार कार्बन रहे होंगे यही होगा ना। अब दोनों में से कहीं से ब्रेक करते हो ऐसा आता आई आता फिर ये हटता है बी आर आता है एक्सेस में जो एक्सेस में होता है रुको ना सर एक मिनट बी आर एक्सेस में ये मिक्स हो गया है नया पेशी एच2 के जगह पे सी एच2 अच्छा दो बनेगा। अरे इससे पहले का प्रोडक्ट रिएक्टेंट बताना है ना। हाँ वही बता, ये दो प्रोडक्ट है तो एक रिएक्टेंट है दोनों को जॉइन कर दो। हाँ ये भी दो ही होगा क्यू में क्या होगा क्यू वाला क्या होगा रिएक्टेंट को बताओ सर। यही दो बार को भी यही दो बार हो जाएंगे ना क्योंकि इसने सिमेट्रिकल दे रखा है एक ही बनाया ना, इसका मतलब दोनों साइड सेम रहोगे तभी तो एक बना होगा। अरे जैसे ऐसे आ गया ठीक है। अब तूने इसने एच बी आर एक्सेस में लगाया तो और कोई ऑप्शन है क्या इसके अलावा, एक ही बनेंगे ना। लेकिन यही तू अगर कार्बन चेंज कर दे तो दो बनता है ना, एक बार बनता सी एच थ्री बी आर और दूसरा क्या होता दो कार्बन का बी आर होता है यही ना। तो इसने एक ही बनाया मतलब सिमेट्रिकल लिया होगा ना दो उसके, तो पहले तो यहाँ पे सी एच टू ओ सी एच टू और इससे पी एच लग गया होगा, यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ सेम बनेगा तो पहले का था ना पर आप लिख रहे हो इधर वाला नहीं आएगा, थोड़ा मोबाइल को उधर रखना पीछे कैसे लिखेगा उधर लिखेगा नहीं ऐसा नहीं लिखेगा सर अब तो लोग भी ज्यादा हो गए अब तो चेंज कर दो बच्चे तुम लोग आते थे क्या टेंथ में नीचे
हमको जहाँ डालते थे हमको ऊपर ही डालते थे, नीचे आने ही नहीं देते थे। चलो मैं चढ़ता हूँ ये वाला ऊपर वाला। यहाँ तक दिख जाएगा ना यार। बस हो गया, हो गया ना, उस मोड से बाहर निकल जाए। इधर देख, डी3 का पहला क्वेश्चन है, इसको ना हीपोऑक्साइड बोलते हैं। हाँ, कैसे मैकेनिज्म करवाना वो समझना। ये OH- है, ये ना इस पे अटैक किया और ये ऑक्सीजन ऐसे बाहर निकला, तो ये तीन कार्बन O पे माइनस आ गया, पहले वाले कार्बन पे OH आ गया, एक्वस है इसका मतलब पानी भी होगा उसके अंदर, तो उसके ये भी O- को H मिल जाएगा ना यार। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसा है, एक दो तीन यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इस पर क्या है CH3O पे माइनस है ना, ये इस पे अटैक किया, ये ऐसे निकला, देखो दोनों सेम है ना बिल्कुल, तो इस पर पहले वाले कार्बन पे CH3 आएंगे और दूसरे वाले पे O पे माइनस, बाद में H प्लस मिलेगा, तो चलो यही तो बीस के हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो माइनस उधर गया और OH उधर चला जाएगा, H ये क्यों जाएगा रे, ये तो जहां वही रहेगा ना, ये तो OH इस पे आ गया है ना, माइनस चार्ज इस पे है ना, तो इसका नेगेटिव चार्ज पानी से H प्लस को ट्रैप करेगा ना, तो बाद में पानी का OH, क्या पानी का OH OH माइनस रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है, और कोई कोई पोजीशन ही नहीं खाली है ना कि जिस पे OH आ सके। एक और ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दो बॉन्ड है सी के ओ के साथ, कोई भी एक ब्रेक कर सकते हो कि वो इस तरह वाले वो दे वो जिससे माइनस है वो आएगा ना, नहीं आप उस सी से भी ब्रेक कर वो डिग्री और 1 डिग्री चार बना उसमें, ये जो सबसे लास्ट टर्मिनल वाला होगा ना उधर, मतलब थोड़ी स्टीयरिंग एंड्योरेंस काम करते है, तो जो पहले वाला कार्बन होगा ना उसी पे ब्रेक करोगे आप। ओके, तो CH2 वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, मतलब पहला वाला मतलब बीच वाला ना, चलो इधर बताओ, नोट कर लो, मान लो अगर तेरे पास ऐसे आ जाता तो ये चार कार्बन का होता, यहाँ पे ऐसे आता और ये ऐसे दिया होता CH3O पे माइनस, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, अब जिधर चाहे उधर से कर पाते, ये इधर जाता है ये बाहर निकलता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता OH आ जाता और उधर पे क्या आता CH3। नहीं करेगा ही नहीं, आंसर करेक्ट। पहले क्वेश्चन कार्बोनेट टाइम सर, कौन सा पार्ट टू का, फोर्थ वाला तो इजी, पार्ट टू में आओ यार, क्वेश्चन नंबर डाउट कौन सा, सिक्स के पहले कुछ है क्या, फोर, चल फोर वाला में देखना है यार, आपने आई निकाला तो वहाँ पे कार्बो के टाइम बना, ऐसा डी ऑप्शन है ना, तो डी नहीं हो सकता,
कार्गो के टाइम का रीअरेंजमेंट होगा तो मिसाइल शिफ्ट होगा, वो वाला ऑप्शन बी है ना, बी और डी होगा ना। अब बी वाला जो कार्गो के टाइम है उस पे ओएच लेके जाओ तो सी बन जाएगा, तो ये तो कभी बनेगा ही नहीं। तो लेस स्टेबल पे जाएंगे नहीं ना भाई, वो तो 1 डिग्री पे चला गया है। डबल बॉन्ड पे प्लस माइनस लगाओगे अनस्टेबल होगा, सीएल निकलेगा तो डबल बॉन्ड पे प्लस अनस्टेबल होगा, ठीक है, इसलिए लेसन वन जाएगा नहीं। सेकंड वाला रिंग के ऊपर प्लस माइनस भी अनस्टेबल होता है, रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही हार्ड होता है, बट अगर आपने उसमें लगा दिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के प्रेजेंस में, तो इतना पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है। सेकंड थर्ड वाला जो है ना वो बेंजीन रिंग है, बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और इससे ऐसे लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, सीएल लगा है, यही ना, इसी को तुम स्ट्रेच करो तो सी वाला ऑप्शन आपको दिखेगा ना। अब इसमें देखो क्या है, ये वाला कार्बन ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या होते हैं, ब्रिजेड पोजीशन होते हैं, इसलिए वहां पे लगेगा नहीं है, डी वाला सी ऊपर है तो हो जाएगा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखो कंसेंट, ये लुकास टेस्ट है ना, तो ओएच निकला, ओएच निकलेगा 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है, उसके बाजू पे अगर आप शिफ्ट करोगे ना तो 1 डिग्री 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस है। अरे हां 2 डिग्री प्लस, हां हो गया, वो क्या था 2 डिग्री प्रेजेंस, तो बी वाला आ जाएगा ना, बी आ जाएंगे ना, मैं ये सोच रहा था प्लस रेजोनेंस है क्या, भाई बकवास कर रहे हो तुम लोग, हम बोल कौन सा डाउट है, अलग कंपाउंड है, सीएल निकला तो प्लस आया ना उसपे, तो प्लस है कितना 2 डिग्री का, बाजू वाले में शिफ्ट करोगे तो 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, इसीलिए उसपे सीएल ऐसा है, बी और डी में डाउट है ना, ये यहाँ पे प्लस आ गया, ये यहाँ पे क्या है सी एच टू आर सी एच थ्री, इसमें देखो 2 डिग्री है प्लस अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 5, बी वाले में आओ, यहाँ पे प्लस है सी है, ठीक है, ये 2 डिग्री है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 4, ये स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो एसएन1 इसके साथ जाएगा ना, अबे वो कम कौन डाला है, अरे वो 6 6 का डी 6 का डी है, सॉरी 6 का डी 7 का बी, चलो 7 की बात करना है, बस चुप हो जाए ना, आगे पूछना एक क्वेश्चन, B3 देखना, देखो यहाँ पे B3 है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, NH3 के पास एक लोन पेयर है ना, ये जो हैलोजन ग्रुप होते हैं लिविंग ग्रुप होते हैं, मतलब वहां से डिपार्चर होगा, निकलेगा वो, जब वो वहां से निकलेगा तो बाजू वाले प्लस छोड़ के जाएगा ना, तो प्लस जैसे ही छोड़ेगा रिंग के ऊपर देखना यहाँ पे, ये CH2 पे प्लस, इसका बीआर निकलना मुश्किल है ना क्योंकि रिंग के ऊपर आ जाएगा ना प्लस, तो लोन पेयर ये देगा, इसको लोन पेयर दिया तो यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गए, यहाँ पे CH2R यहाँ से बीआर नहीं निकलेगा ना, रिंग पे प्लस माइनस नहीं आएगा, अभी थोड़ा देर पहले करता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे तो बीआर ही रहेंगे, आपको 4 डेकाइन बनाना है तो टोटल 10 कार्बन आएंगे उसमें, पहले और दूसरे में नौ कार्बन, वो कैंसिल हो गए, बच्चे सी वाले देखना, अपने पास सी वाले ऑप्शन ना,
इसमें फोर डेक एंड चाहिए तो फोर्थ वाले पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तो वो डी वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन में कर रहा हूं ना हो जाएगा चलो देखना है इधर सी वाला ऑप्शन पहले दूसरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कम है एक कार्बन दो बीच में ऐसे दे रखा है और एक सीएल है ना प्लस में क्या है ये तीन कार्बन है यहाँ पे चार कार्बन बीच में तीन कार्बन है ना एक इधर लगा हुआ है और एक उधर लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड इधर क्या लगे हुए हैं और उसके बाद और ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच यही है ना ओके ठीक है आपको ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था इथेनॉल से क्या बनाते थे ब्यूट वन आइन देखो इसका क्या काम था यहाँ पे ये ओएच होता है तो सी एल टू लगाते थे सी एल बाद में ये ऐड करवाते थे प्लस सी माइनस सी ट्रिपल बॉन्ड ये बनता कब था जब NaNH2 की रिएक्शन करवाओगे तो NaNH2 की रिएक्शन करवाने पे यहाँ पे Na+ प्लस आ जाएंगे ये NaCl निकलेगा तो इधर देखो ये बीच वाला पॉइंट बनता है एक दो तीन चार पांच ये गलत हो गया उसमें फोर उसमें अगर पी एच और एन एच टू आया एन टू प्लस सी एल पी एच और एन टू प्लस सी एल माइनस ये रेजोनेंस के साथ स्टेबल होता है इसलिए नहीं मिला अभी बताया थोड़ा देर पहले ना अल्कोहल अगर एन ब्रांचिंग एच बी आर के साथ रिएक्शन करवाओगे एसएन टू रिएक्शन हो गया बी आर एसएन टू है तो फिर पहले पे लगेगा ना यार ये नहीं चलो नेक्स्ट मेड देखना सिक्स क्लोरो एक्जेंट टू ऑल NaNH2 NaNH2 का काम अभी तो ये होगा कि सबसे डिहाइड्रेशन ही रहे अल्कोहलिक केएच का जो काम होता है वही करता है और अल्कोहलिक केएच के मैकेनिज्म में क्या होता है सबसे पहले सीएल निकलता है जो भी हाइड्रोजन ग्रुप हो और ये ऐसे दे रखा है ना एक दो तीन चार पांच काम पे ओएच काम पे सेकेंड पे second है last और यहाँ पे सीएल है देखो यहाँ पे NaNH2 है ये चोर वाली कहानी है ना SN इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक्स अपग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको इंट्रामोलिक्यूलर घर का चोर है देखो ऐसा है यार इसमें ना अगर अल्कोहलिक केएच आप याद करो अल्कोहलिक केएच तो सबसे पहले क्या होता है इसमें प्लस आता है ठीक है फिर इसका H प्लस यहाँ से ब्रेक होता है मतलब OH माइनस जो होता है यहाँ पे अटैक नहीं करके इस पे करता है ना तो डबल बॉन्ड आ जाता है इसमें देखो क्या होगा अब जैसे ये यहाँ से Cl निकला तो पहले स्टेप में प्लस आ गया यहाँ पे क्या आ गया OH अब इधर NaNH2 में Na प्लस प्लस क्या होगा NH2 पे ये माइनस लोन पेयर भी हो गए ये ठीक है मान लो NH2 पे माइनस ही इधर चलो NH2 माइनस लगाया अब अटैक करने वाला इसका लोन पेयर इसका माइनस है यही जा सकता ना प्लस के पास और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ये घर का मालिक है ना ये घर का मालिक है ठीक है ये घर का मालिक हाँ ये निकलेगा ये घर के बाहर का चोर है ना तो ये सबसे पहले जाएगा यहाँ पे जाएगी ऑप्शन हो जाएंगे ना नहीं
ये आपने अभी करवा दिया टेंथ का अब सी वन भी नहीं हो जाएगा चलो आगे सेक्शन सी में आते हैं सर सर एक मिनट नहीं सब तो हो गया सब अब आपने करवा दिया वही वो आपने जो लिखा है उसमें अभी डाउट सी टू सी वन हो गया सी थ्री करवा लो अरे वो भी तो लिखा है आर ऑरेंज वाला सोडियम इथोक्साइड अब चुप हो जा बस हो गया ना भेजू किया तेरे को बाहर चलो देखना सी थ्री वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन अच्छा है माइनस आई है कि बोर्ड वाला है माइनस आई इसमें नेगेटिव माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट देख मैं कभी भी अरे इधर अगर ओपन चेन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा है अल्काइल ग्रुप सेम है एक पे लगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अल्काइल ग्रुप सेम है और हेलोजन लगा है तो एसएन वन एसएन टू दोनों केसेस में आई का ज्यादा होगा क्या कर रहा है मैंने कुछ किया भी नहीं है सर आगे यहाँ पे बैठने का मन नहीं दे रहे ऐसी करना था क्या एडजस्ट करोगे वो पीछे बैठ जाए ना नीचे मेरे आएगा ही नहीं ऐसी किया जाएगी और तो बाहर निकल जा फिर यहाँ पे लेट जाना इसे पढ़ना लेट सलमान खान की तरह बस बेटा तेरे ऊपर कोई ना लेटे बस तेरे ऊपर कोई ना लेटेगा तो मेरे ऊपर क्या है देखना यार ऐसा है ना अगर आपके पास CH3CH2 और Br CH3CH2 और आयोडीन CH3CH2 और क्लोरीन CH3CH2 और क्लोरीन इस केस में SN1 SN2 की अगर बात करें कार्बोकेटाइन की डिग्री सेम है ठीक है लिविंग ग्रुप के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों का होगा तो ये फर्स्ट वाला ए बी सी डी ना लेकिन इस रिंग में चेंज हो जाएगा इसलिए मैं आपको अभी ये करवा रहा हूँ रिंग में देखना है यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन यहाँ पे क्या लगा हुआ है एनओ टू इस वाले पे लगा हुआ है क्या आयोडीन और यहाँ पे एनओ टू अब जो पहले निकलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसका फास्ट होगा तो चलो ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे आयोडीन से तो ये आयोडीन यहाँ से निकलना चाहेगा लेकिन ये निकलने नहीं देगा ऊपर में निकलने देगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है अभी देख अरे इधर इधर एनओ टू जो है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ये जाना चाहेगा लेकिन जाने नहीं देगा लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है ना तो उतना जाएगा समझ में आ रहा है तो इन दोनों का लिविंग ग्रुप अब इसकी ज्यादा हो गई ना तो इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और सी फोर पहले करवा रखा है जहाँ पे NH2 तुम लगा रहे थे ना ये सेक्शन कौन सा सेक्शन सी का C3 का पहला क्वेश्चन C3 का A का पहला क्वेश्चन यहाँ पे NH3 है वहां पे दो H के बदले दो मिथाइल लगा दिया तो बस क्या जाएगा वहां पर अभी वाला ऑप्शन हो जाएंगे ना समझा दो नहीं चलो देखना रहता ये वाला क्वेश्चन ना ऐसा ये कौन सा है यार C4 ऊपर में CN लगा हुआ है नीचे क्या है फ्लोरीन निकलना तो काफी मुश्किल है लेकिन फिर भी निकलेगा क्योंकि रिएक्शन करवानी है अपने को और ये NH है यहाँ पे इससे क्या लगा हुआ है तो मिथाइल लगा हुआ है ये जब निकलेगा तो इस पे प्लस आएगा ना तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे आए तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएंगे ना तो नाइट्रोजन पे H हो गया मिथाइल और मिथाइल बाद में H प्लस यहाँ से फायर बाहर निकल गया तो ये रिंग के ऊपर CN N से दो मिथाइल D4
ये गेम में कम क्या मैंने दिया था बेटा इसके बाद बोल रहा आपने क्यों सुन लिया आपने मेरे बोला था इसको बोला मैं चला ऐसा खा मखा अच्छा चलो कौन से कर डी फोर डी फोर देखना डी फोर यार ऐसा है ना फिर से इको ऑक्साइड आ गया ना पहले कार्बन पे देखो यार यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस साइड जो लगा हुआ है ना वो सी एच थ्री होल ट्वाइस है सी एच पे माइनस आ जाएगा ना एम जी बी ये इस पे आया ये ऐसे निकला अभी थी ये तीसरा क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखो लास्ट वाले से ये सी लगेगा और इस सी से दो मिथाइल है और ये इस वाले पे ओ एच आ जाएगा ये पार्ट थ्री डी के रहे चलो फिर हो गया उसने फर्स्ट वाला देखना यार जिसमें सबसे ज्यादा लिखा है ना 770 3 डिग्री जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा इस वाले में सबसे ज्यादा रेजोनेंस है क्या पीएच क्योंकि लगा रखा है इसलिए ये पार्ट थ्री का फर्स्ट पार्ट थ्री हाँ पार्ट थ्री का देखना हो पहला वाला देखो यहाँ पे जो पीएच एस वाला है ना पीएच है पीएच में ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है ना वही मतलब H2O के साथ रिएक्शन हुआ था स्टेबल कार्बोकैटायन देखना है ये यहाँ पे सी लगा है डबल बॉन्ड सी है ना यहाँ पे फिर सी एस सी एल है देखो यहाँ पे ये यहाँ से सी एल निकालोगे प्लस डबल सिंगल कार्बोकैटायन यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस है ना और कहीं इन चारों में कहीं इतना बड़ा रेजोनेंस ही नहीं एस वाले का थ्री होगा सबसे कम रेजोनेंस कहाँ पे उससे कम रेजोनेंस आर में तो ही नहीं का बाद होगा आर का है सर दोनों आर किस में डाउट है क्यू और आर में दोनों तो आर का क्योंकि कार्बन चेक कर रहे थे उसके साथ साथ अच्छा मैंने आर दोनों में ऑप्शन अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने है इसमें छह नहीं पांच है और उस ऊपर वाले सर पहला एस का थ्री आया आर का भी फोर है ऐसे दो ही ऑप्शन अभी पी और क्यू ही चेक करना पड़ेगा फर्स्ट और फोर्थ में आर का फोर एक मिनट इधर सात हो जाए एक मिनट एस का थ्री हो गया एस का थ्री कहाँ कहाँ पे फर्स्ट और लास्ट ठीक है आर वाले का फोर हो गया 91 बच्चा आपने को कौन सा चेक करना पी क्यू ना क्यू का अपने आप वन हो जाएगा एस के बाद पी करते तो हो जाता फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ये क्या नया है ये तो पहली बार पढ़ रहा हूं चलो आ जाओ जेई मेन ऑनलाइन प्रॉब्लम सर मैं ऑफलाइन ऑफलाइन थर्ड वाला देखना आपके पास एक C6H5 आई है दूसरा क्या है मेंजाइल आयोडाइड कहाँ पर दिक्कत आई एक चीज बस
CHI 3 precipitate नहीं है, ये I है, दूसरा कौन सा है, यहाँ पे CH2 और I है, इसका I निकलना मुश्किल है ना यार, तो यहाँ पे नो PPT होगा, precipitate AgI का बना होगा, समझ में आ रहा है, या तो इससे बना होगा या इससे बना होगा, इसमें तो बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस ले नहीं सकता ये, लेकिन ये तो प्लस ले सकता है क्योंकि ये स्टेबल है रीत के साथ है, तो यहाँ पे इसका प्रिसिपिटेट बना होगा ना, तो बोल रहा है जो प्रिसिपिटेट बना है वो बी है, तो ये ए हो गया। जो प्रिसिपिटेट बना रहा है वो बी है, जो नहीं बना रहा है वो ए है, सर थर्ड वाले में बी का कुछ और दिया सर, सर सर इसका आंसर उल्टा दिया है, बी को सी सिक्स एच फाइव आई दिया है, बी को सी सिक्स एच फाइव आई दिया है, मतलब इसका उल्टा अरे ये दूसरे सीट का देख रहे यार, तुम ऑफलाइन चलो यार आगे बढ़ाओ सर, ये आप चेंज कर लेना रिटेंशन से, पूरी सीट एलिमिनेशन पे ही है क्या? होता है SN2 होता है, आगे बोलो यार पार्ट टू जेई में सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, CH3Br न्यूक्लियोफाइल है, CH3 न्यूक्लियोफाइल भी है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो बेसिक कैरेक्टर आपको देखना सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो बेसिक कैरेक्टर देखो, मतलब जिसका निगेटिव चार्ज विदाउट रेजोनेंस वाला होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि रेजोनेंस के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे अगर एसिडिक कैरेक्टर की बात करें ना अपन, इधर देखना एसिडिक कैरेक्टर जो होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन होता है, बट अगर आपको बेसिक कैरेक्टर निकालना है तो बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनस्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, अनस्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, तो अगर किसी का अनायन रेजोनेंस में जा रहा है तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, कम हो जाएगा, बहुत स्टेबल है, तो CH3O- का सबसे ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर, CH3O- का सबसे ज्यादा, फिर OH- का ACO- ऐसा लिखा हुआ है ना, AC CH3 C डबल बॉन्ड हो इसको AC बोलते हैं, O पे माइनस है तो ये हो गया, नेक्स्ट में ऐसा PHO- है, PH ये हो गया यार, ये इसको मत चला, एसी चला ले, ये चलेगा, एसी नहीं एसी में फैन, ये ज्यादा आवाज करते हैं यार, ओ पे माइनस, टेंपरेचर बढ़ा देता हूं, टेंपरेचर नहीं वो ऑप्शन है, अरे बंद करना थोड़ा देर यार, क्या ऐसा गर्मी लग रहा है, देखना क्वेश्चन नंबर 6 CH3O बेसिक कैरेक्टर आपको चेक करना है ना, CH3O- का सबसे ज्यादा, उसके बाद OH- का, समझ में आ गया, DC भी है, चलो आगे पूछो नेक्स्ट, नाइन्थ में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एट वाला पूछा था, ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच टू कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इनवर्जन, देखो सबसे पहली बात है SN2 आए तो काइरल सेंटर होना चाहिए, बस इसी कंपाउंड में काइरल सेंटर नहीं है, जब काइरल सेंटर नहीं है तो SN2 क्या बातें करते रहते हैं,
चारों ऑप्शन में किसी भी गाइडेंस सेंटर नहीं है ना, तो एसएन2 का रेट देखो आप डिग्री तो और का नाइन बताना है क्या देखो सबसे पहले मगर आप लगाओगे तो इथेनॉल हो गया, सेकंड में लगाए तो दोनों पे इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, थर्ड वाले में क्या होगा एक ही कार्बन पे दो एच आ गया तो डिहाइड्रेशन हो गया, थर्ड वाला एसिटिल डिहाइड्रेशन आसान है। अरे वो दो एच है दूसरे से क्वेश्चन नंबर 9 के बाद थैंक यू 12 में देखना सॉल्यूशन रेसिंग मिक्सर तो कार्बोकेटायन बनेगा मतलब वो एसएन वन क्वेश्चन नंबर 14 डिग्री देखनी है। अरे वो सबसे ज्यादा टर्मिनिटी 3 डिग्री में होगी तो टर्शियरी वाला टर्शियरी अल्कोहल भाई ये सबसे जल्दी टर्मिनिटी वो शो करता है। अरे 14th के 14 देखना वाला ना है लुकास टेस्ट वाला वो तो था लुकास टेस्ट नहीं था 13 14 देखना एसएन2 है सबसे छोटे वाले का सबसे ज्यादा होगा तो CH3Cl का सबसे ज्यादा उसके बाद CH3CH2Cl का फिर वो बाकी लोगों का कैसे चेक करेंगे। अरे बाकी एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है 2 डिग्री है नहीं वो 3 और 2 डिग्री का हो गया आप सेकंड और थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूजन है।